आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं इंस्टाग्राम ऐप के बारे में। और मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा इंस्टाग्राम में आप लोग को एक ऑप्शन दिखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहां पे प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोग को यहां पे एक दिखता होगा ऑप्शन जिसका नाम है एडिट प्रोफाइल। इसमें आप लोग जाते होंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता होगा वेबसाइट का, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेबसाइट वाला, तो मैं आप लोग को इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि वेबसाइट का जो मतलब क्या है। तो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कि वेबसाइट का आखिर मतलब यहाँ मतलब क्या है, और यहाँ पे वेबसाइट का मतलब क्या है, वेबसाइट में आप लोग को यहाँ पे क्या काम करना है और आप लोग को वेबसाइट में क्या काम नहीं करना है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम को यूज करते होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम को यूज करने के बाद आप लोग यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आप लोग को समझ में नहीं आता होगा कि आप लोग को यहाँ पे इंस्टाग्राम में जो भी आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट वाला आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा उस ऑप्शन का क्या मतलब है, वेबसाइट का क्या मतलब है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में इसी डाउट को मैं आप लोग को यहाँ पे हमेशा के लिए क्लियर में आप लोग को करने वाला हूं। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे उसके बाद ही आप लोग को यहां पे सारी जानकारी समझ में आएगा। तो बस आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें, और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को अपने प्रोफाइल में जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो जो भी आप लोग के सामने वहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आप लोग को यहाँ पे जो कि आप लोग को एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग को बस यहाँ पे एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आप लोग को जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन जो देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम यहाँ पे वेबसाइट वाला, इस वेबसाइट का क्या मतलब है, आखिरकार इस वेबसाइट का क्या मतलब है। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को इंस्टाग्राम में जो भी वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को वेबसाइट का नाम सुन के आप लोग को यहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे वेबसाइट का मतलब बस यहाँ पे इतना है कि आप लोग के पास अगर यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोग के पास फेसबुक पेज लिंक है, अगर आप लोग के पास ट्विटर अकाउंट है, अगर आप लोग के पास कोई भी आप लोग के पास यहाँ पे अदर सोशल मीडिया अकाउंट है, या नहीं तो आप लोग के पास खुद का वेबसाइट है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट का मतलब नहीं पता है, तो चलिए अब मैं आप लोग को डिटेल में मैं आप लोग को वेबसाइट का मतलब ही मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक मेरा खुद का एक मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट है, तो अभी मैं आप लोग को अपना वेबसाइट मैं अभी आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि मेरा यहाँ पे खुद का वेबसाइट है जिसका नाम यहाँ पे fastkaro.com। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना वेबसाइट को मैंने यहाँ पे ओपन किया fastkaro.com, जैसा कि आप लोगों के सामने मेरा यहाँ पे खुद का वेबसाइट मेरा यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। मेरा देखिए बस यहाँ पे fastkaro मैंने यहाँ पे लिख दिया और मेरा यहाँ पे देखिए ओपन हो रहा है। तो ये जो आप लोग को वेबसाइट दिख रहा है, ये जो वेबसाइट है इसको यहाँ पे वेबसाइट बोलते हैं, जो कि ये जो है मेरा यहाँ पे खुद का वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे खुद से इसे मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो अगर आप लोग के पास कुछ इस प्रकार से वेबसाइट है तो आप लोग यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक को भी आप लोग यहाँ पे अपने आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम में आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, या नहीं तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग के पास तो यूट्यूब चैनल होगा ही। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक चैनल है, चले मैं यहाँ पे उस चैनल को सर्च करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे उस चैनल को मैंने यहाँ पे सर्च किया, मेरा जो कि यहाँ पे चैनल है ये भी यहाँ पे आपको चैनल दिख रहा होगा। सिंपली आप लोग को इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद ऊपर में आप लोग को तीन डॉट दिखेगा, सिंपली आप लोग को इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को दिखेगा शेयर, आप लोग को शेयर पे जाना है, और शेयर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी लिंक दिखेगा, सिंपली आप लोग को लिंक को आप लोग को यहाँ पे कर लेना है कॉपी। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना लिंक को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, लिंक कॉपी करने के बाद सिंपली आप लोग को जो भी यहाँ पे आपको वेबसाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल आप लोग को यहाँ पे इस वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आप लोग को यहाँ पे ऊपर में आप लोग को एरो का दिख रहा होगा निशान, सिंपली आप लोग को इस एरो वाले निशान पे आपको टैप कर देना है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे लिंक देखने को मिल रहा होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आप लोग का इसमें फ़ायदा यही है, फ़ायदा आपका इसमें यही है कि आप लोग का जो भी है, जैसे कि आप लोग के पास यहाँ पे इंस्टाग्राम है,
आप लोग के यहाँ पे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जो भी जाएगा, यानी यहाँ पे अननोन आदमी जो भी जाएगा वो यहाँ पे आपका लिंक को देख लेगा, तो यानी उसको समझ में आ जाएगा कि आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, उस तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिंक है, तो आप लोग को अब समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे इंस्टाग्राम में वेबसाइट का क्या मतलब है और आप लोग को वेबसाइट में क्या काम करना है और आप लोग को वेबसाइट में क्या नहीं करना है। तो आप लोग को आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल, वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।